उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष के नेता हमलावर हो रहे हैं। इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला भी लिया जाना है, जिसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पिछले दिनों सरकार से अपना पराया छोड़कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। अब इस मामले में गणेश जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह से कोई आरोप लगते हैं तो इसको मुझे फायदा होता है। गणेश जोशी ने पूर्व में 2016 में अपने ऊपर शक्तिमान घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे और इसका मुझे फायदा हुआ है। एक बार फिर से मेरे ऊपर कई आरोप लग रहे हैं जिसका आने वाले दिनों में मुझे फायदा होगा। सबसे पहले तो जब जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं मुझे उसका बहुत फायदा होता है, मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा 2016 में एक घोड़ेकांड में मुझे फंसाया गया और मैं बार बार कह रहा था कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूँ। और जब उसका खर्च दिखाया गया तो मुझे उसका ये फायदा हुआ। मैं हर मंच पर कहता हूँ कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है, मैं उसमें कहता हूँ मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। एक बार कोरोना के टाइम पर मेरे पर आरोप लगाया गया जब मैं करोड़ों रुपए का सामान राशन बांट रहा था और जब मैंने ऑक्सीमीटर बांटने शुरू किए तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि जोशी जी ऑक्सीमीटर कहां से बांट रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं उस टाइम ब्लैक में 3-4 हज़ार रुपए का ऑक्सीमीटर। दिनेशपुर के ऑडिटोरियम में बंगाली युवाओं के आह्वान पर बंगाली समुदाय की विशेष बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति की मांग को लेकर आगामी 20 सितंबर को बंगाली समुदाय के लोग रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे। जनसभा में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बंगाली समुदाय के लगभग 2 से 5 लाख लोग शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में स्थापित बंगाली समाज के नमोसुद्र पोन माझी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पिछले 7 दशक से चलती आ रही है। कई बार विधानसभा लोकसभा में बंगाली समुदाय की मांग को लेकर चर्चा की गई लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। दिनेशपुर के लोग हो चाहे शक्तिमारम के लोग हो और जहाँ भी हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, सब ने निर्णय लिया कि 20 सितंबर का जो है रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे। उस जनसभा में जो हमारा वही दो मांग रहेगा कि बंगाली जो जाति जो अनुसूचित में आता है उनको अनुसूचित दर्जा दिया जाए और जितने बंगाली क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में वहाँ सरकारी टीचर दिया जाए जिससे बंगला भाषा पढ़ाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है इन्होंने कहा भी है कि बंगाली स्कूल जो स्कूल का मांग टीचरों का मांग है वो टीचर हम देंगे। हम लोग उनको दोबारा याद दिलाने के लिए 20 तारीख को जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे लोग रहते हैं हमारे समाज के लोग चाहे पूरा प्रदेश में तो 20 तारीख आप सब लोग आइए गांधी पार्क में, हम सब एकत्र होंगे और एकत्र हो जाए सरकार। मोशूद्र पौंड माझी ये 3 जातियाँ हम लोग एक्चुअली वहाँ से ही अनुसूचित जाति के लोग हैं तो हम लोगों की ये पुरानी मांग थी, हम लोगों को लाके यहाँ बसाया गया है, हम लोग आके यहाँ बसे हैं और हम लोग कोई ज़बरदस्ती भी नहीं आए, हम लोगों को बाकायदा भारत सरकार ने अनुरोध करके हमें यहाँ जगह दिया, हम लोग बैठे। और परंतु हमारे जो हम लोग जो अनुसूचित जाति हैं हमारे जो रिश्तेदार नातेदार अनुसूचित जाति है भारतवर्ष के 7 स्टेटों में हम लोग हमारे लोगों को जो हमारे रिश्तेदार हैं नातेदार हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, परंतु उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ में MP मध्य प्रदेश में जो हमारे लोगों को बसाया गया है उनको ये दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम लोग हमारे पूर्वज जब आके बसे थे तब से ये हम लोग हमारे पूरी एक लेकर आयोग बैठा था 1953 में जिसका रिपोर्ट आया था 1950 में और उस समय उन्होंने स्टडी किया था, सर्वे किया था पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जो जातियाँ थी उसका वो था, उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद जो जातियाँ जहाँ पर रही है उसको उन्होंने अनुसूचित जाति घोषित किया था, इसीलिए वो 7 स्टेट जो थे 7 स्टेट में ऑलरेडी बंगाली थे तो उनको वहाँ पर दिया गया है और बाकी स्टेट में माइग्रेट हुए हैं।
यहाँ पर 51 में आ चुके थे, लेकिन वहाँ उस समय जो है बंगालियों का कोई अस्तित्व नहीं था, पहचान नहीं थी, जिसके वजह से वो क्लेगर आयोग ने जो है रिकमेंड। चमोली के नव नियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी जिला सभागार गोपेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वांछित व्यक्ति तक पहुंचे, उनका यह प्रयास रहेगा। सभी विभागों से आपसी समन्वय से बनाकर जिले के विकास की प्राथमिकता और जन शिकायतों का कम समय में निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन है। इसी को लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतोड़ी ने कहा, हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया नहीं। चाहे उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला क्यों ना हो, ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। निश्चित तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा, ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो ये छाए रहने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर प्रवर समिति का गठन किया है। इसके लिए अनुसूचित भी जारी कर दी गई है। प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड स्तर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड में नैनीताल बैंक कर्मचारी बैंक के विलय के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बैंक कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। हल्द्वानी में कर्मचारियों ने प्रबंधन और बैंक ऑफ बड़ौदा के निवेशक मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलित कर्मियों ने कहा कि नैनीताल बैंक न सिर्फ वित्तीय संस्था नहीं है बल्कि उत्तराखंड की धरोहर भी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बैंक की अलग अलग शाखाओं के कर्मचारियों के अलावा खाताधारक भी शामिल हुए। सर, हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अंशधारिता जो हमारे बैंक में है वो 98.57% है और बैंक ऑफ बड़ौदा उस अंशधारिता को बेचना चाह रहा है। उसी के लिए लड़ाई है क्योंकि हमारे क्या कहते हैं जो भी सैलरीज वगैरह हैं वो आईबी के हिसाब से चलती है और कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा उसको हटाना चाह रहा है, तो ये उसी की लड़ाई है, उसी के लिए हम आज इकट्ठा हुए। मुख्य मांगे इस संदर्भ में ये है कि जैसा कि आजकल आपको विदित है कि भारत सरकार की नीतियाँ आर्थिक नीतियाँ निजीकरण करने की ओर ज़्यादा हैं, जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य से किया गया था कि वो सामाजिक बैंकिंग को बढ़ावा दे। नैनीताल बैंक 102 साल पुराना बैंक है और लगातार सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और लगातार पिछले 50 वर्षों से एक लाभदायी संस्था है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आयकर देने। देहरादून जिला अधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग की ओर से भी पेंशन ब्लॉक वार आवेदन की जानकारी दी गई। साथ ही जिलाधिकारी ने स्वीकृत पेंशन आवेदन की जानकारी ली। किसी भी योजना का आवेदन लंबित नहीं रहने का निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। किसी भी योजना का आवेदन लंबित नहीं रहने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया है। केदार घाटी के त्रिगुणी नारायण स्थान के एक गांव में इन दोनों स्थानीय लोगों की ओर से पोस्टर लगे हुए चर्चा में नजर आ रहे हैं, जिसमें सीधे चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति गैर हिंदू, रोहिंग्या, मुसलमान या फिर
फेरीवाला गांव में व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जैसे ही गांव में लगे पोस्टर की जानकारी बाहर आई उसके बाद उत्तराखंड में लोगों की अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। जहां कई लोग इसे सही बता रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणी ने बताया कि उनके पास भी इस बात की जानकारी आई है। अभी हम इस बात पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई भी गलत पोस्टर या कुछ इस तरह का लगा हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है तो उसमें सभी को जो है वो एक CLG बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित दर। उधम सिंह नगर के सितारगंज से आपको बता देते हैं जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से गले में वार करके गंभीर घायल कर दिया जिसके बाद निजी अस्पताल में घायल की मौत हो गई। आरोपी ने मौके से फरार होने की कोशिश की लेकिन लोगों ने भागकर युवक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक दुकान की बिल्डिंग की युविंदर पाल सिंह की उम्र करीब जो है इनकी 55-60 साल के आसपास है। तो इनका जो है आज करीब 2:45 के आसपास यहाँ पे जो है उसकी सूचना हुई कि उसे चाकू मार दिया है उसके बड़े भाई ने जिसमें वो इंजर्ड हो गया है जिसे हॉस्पिटल तत्काल जो है भिजवा दिया गया है और इसमें जो है अग्रिम जांच जो है की जा रही है किन परिस्थितियों में ये घटना घटित। डिप्टी CM जय कुमारी दिल्ली के दौरे पर है। निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण कर रही है। पृथ्वीराज रोड पर निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का डिप्टी CM दिया कुमारी ने दौरा किया है। तो राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी दिल्ली के दौरे पर हैं और वही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की कई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर बड़ा झटका दे दिया है। इसे उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन व जिला ब्लॉक संगठन में अस्थायी की नियुक्ति की गई थी। इन सभी नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है। जिन नियुक्तियों के बारे में उन्होंने बात कही है उस पर उनसे चर्चा भी हुई है और अगर कोई बात होगी तो ठीक है उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। लेटर भी वायरल हो रहा है भाजपा तंज कसरी वगैरह हमेशा की तरह परिवार में कलह रहती है। भाजपा क्या तंज कसरी नहीं कसरी अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम करने का तरीका है। और खबर देहरादून से है जहां गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस देहरादून में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे। चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। पूर्व CM ने कहा हरिद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है। रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई है। भरे बाजार में डकैत मेहमान की तरह आए और उसी तरह गए। अभी तक भी पुलिस डकैती में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। व्यापारी
हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को, यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए तो, डकैत नहीं पकड़े गए तो, और डकैतों की हिम्मत देखिए, मतलब अटेंशन श्री सुरेश जोशी, उनकी हिम्मत देखिए कि वो। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में करीब 5000 अचल संपत्तियां हैं, लेकिन जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था तब उस दौरान कितनी संपत्ति उत्तराखंड के हिस्से में आई थी उसका रिकॉर्ड गायब है। उन्होंने कहा कि हम अपनी चिन्हित संपत्तियों पर से अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रहे हैं, कई जगह पर कानूनी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा संपत्तियां तो नहीं है, लेकिन लगभग 5000 के करीब अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें लगभग 5000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। उन 5000 संपत्तियों में हमारा मानना है कि उन संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ऐसे बहुत बहुत बड़ी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं, जैसे नैनीताल रामनगर रामगढ़ के अंदर 200 बीघे का रिसॉर्ट बनाया हुआ है पूर्व सांसद कांग्रेस यूथ कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी जी। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रही है। समय समय पर इसकी शिकायतें भी शासन और प्रशासन स्तर पर आम लोगों द्वारा की जाती हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उत्तराखंड पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और अन्य पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज और धर्म परिवर्तन के साथ साथ लव जिहाद की घटनाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने अब इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भंडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब हम तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जो पुलिस उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो बाहरी प्रदेश से जो लोग यहाँ कर बसते हैं, मुख्यतः जो है देहरादून एक ऐसा इकोनॉमिक सेंटर बना है जहाँ काफ़ी जो है बाहरी प्रदेश से लोग यहाँ आकर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है मंशा है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, खासकर जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार जो है ऐसे जो क्राइम हुए हैं बड़े उसमें कई बार बाहरी तत्वों की जो है संलिप्तता दिखाई दिया है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय है कि ऐसे लोगों पर जो है उस पर। अब खबर देहरादून से बता देते हैं जहां दून पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को दून पुलिस ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहा 5000 रुपये का इनामी आरोपी ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री बनाकर राजकीय चिकित्सालय में नौकरी प्राप्त की थी। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने 2021 में रायपुर में दर्ज करवाया था मुकदमा, और अब दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहाँ पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर 5000 रुपये का इनाम भी घोषित था।